मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर मान लो हम आपसे बोलें कि जैसे ये हमारा सर है ना, ये खोपड़ी है, इसका जो सर का लगभग लगभग ये जो एरिया है, इस सर का एरिया जो हमने ले रखा है वो 0.04 मीटर स्क्वायर एरिया है। मान लो इस सर का इतना एरिया है, सर का ऑन एन एवरेज एरिया इतना आ रहा है इसका, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा हो तो उसके जो फोर्स कितना लगेगा। तो अभी तुमने पढ़ा है कि जैसे ये हम मान लो यहाँ खड़े हैं, ऐसे ये ऐसे खड़े हैं हम, हमें तो यहाँ पे प्रेशर ऐसे लग रहा होगा, मान लो बिल्कुल चपटा हमारा सर है, ऐसे लगभग मान लेते हैं ऐसा क्रॉस सेक्शन चपटा एरिया है हमारा, तो ऐसा जो है ऐसे प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो उसके जैसे फोर्स क्या होगा, तो ये फोर्स जो है ये एफ कितना लग रहा है वो हमें मेजर करना है, ये फोर्स एफ कितना लग रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, पी टाइम्स ऑफ एरिया लिखी जाएगी। प्रेशर लग रहा है 1.01 × 10⁵ का लग रहा है प्रेशर, एरिया कितना है 0.04, तो हमारे सर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके वजह से फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स आएगा 4.04, ठीक है, × 10³ न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। इसको और ढंग से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4040 न्यूटन, मतलब अगर लिखना चाहें और अप्रोक्सीमेशन करके तो बोल सकते हैं 4000 न्यूटन का, जो हम आपसे बात कर रहे थे ना कि जो फोर्स लग रहा होगा ये लग रहा होगा 400 kgf, मतलब इतना फोर्स, मतलब 400 किलोग्राम के वेट के वजह से जो फोर्स लग रहा हो वो लग रहा हुआ। इसी की बात अभी हम आपसे कर रहे थे कि अगर मान लो कोई तुमसे बोले कितना वजन है तुम्हारे ऊपर, तो बोलो 400 किलोग्राम का वजन हम लेके चल रहे हैं, मतलब इतना ये जो अर्थ का, अर्थ के आसपास जो एयर है उसके वजह से जो हमारे ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सर पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है 400 kg N का, इतना फोर्स जो है एयर हमारे ऊपर लगा रही, तो इतना वजन हम लेके घूम रहे हैं अभी भी, तो अगला जो है ना उसके ऊपर भी लगभग, उसकी मुंडी अगर इतनी बड़ी है तो वो भी उतने वजन लेके चल रहा है, समझे। तो हीरो बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसके पास भी इतना ही लग रहा होगा फोर्स। अब यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोला गया है कि आपको बताना है कितना प्रेशर होगा 1 मीटर बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से 1 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा। आप लोगों ने गाजी अटैक पिक्चर देखी है, गाजी अटैक, ठीक है, सबमरीन जिसमें जाता है ना नीचे, तो उसमें भी ऐसे नीचे जाते हैं तो प्रेशर की कैलकुलेशन करी जाती है ना। तो मान लो ये एच मीटर हम नीचे चले गए, ठीक है, यहाँ पे हम कहीं प्रेशर की बात कर रहे हैं, एच मीटर कितना है यहाँ पे, मतलब इसको हम बोलते हैं 1 मीटर, है ना, यहाँ पे हम प्रेशर देखना चाह रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था क्या, पी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी नॉट प्लस रो जी और y, मतलब जो h को हम बोल रहे थे, तो p नॉट कितना है 1.01 × 10⁵, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रो कितना है 1000, क्योंकि वाटर में बोला है ना, वाटर डेंसिटी 1000, g की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, इतना लिख लेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 10⁴ आ जाएगी, ठीक है, और ये कितनी है आपकी 10.1 × 10⁴, ठीक है, ये प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रेशर आएगा 11.1 × 10⁴ N/m² ये आ जाएगा प्रेशर, तो इतना प्रेशर हो जाएगा। तो आप देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा 10.1 × 10⁴ N/m² और ये है, ये है 11.1 × 10⁴ m, मतलब हुआ ये कि 1 मीटर डेप्थ में जाने पर लगभग लगभग इसका 10%, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग 10%, 9 point something, मतलब 10% प्रेशर बढ़ गया। तो अगर आप वाटर सरफेस से 1 मीटर गहरे लगभग 3.5 फीट 3.3 something feet नीचे जाते हैं तो 10% प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर आप सीधा ऊपर आ जाएं, ऐसे नीचे से एकदम से ऊपर आ जाएं, तो आपके लंग्स का प्रेशर जो अभी जो था वो इतना था, इतना था, और सीधा अगर आप बिना बबल छोड़े आ जाएं तो अभी भी ऊपर लंग्स का प्रेशर इतना ही रहेगा, ठीक है, मतलब लंग्स के अंदर जो है प्रेशर अभी इतना रहेगा, बाहर रहेगा 1 atmosphere प्रेशर, तो अंदर से बाहर तरफ पुश लगेगा, ठीक है, पुश कितना लगेगा, इतने के बराबर पुश लगेगा, इतने के बराबर एक्स्ट्रा पुश लगेगा, 10⁴ N के बराबर पुश लगेगा, एक्स्ट्रा पुश,
समझ रहे हो ना, बाहर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसका पुश, और अंदर टोटल मिला के पुश, तो ये इतना कैंसिल हो जाए, इतना ये इतना एक्स्ट्रा पुश आपके लंग्स की वॉल पे लगेगा, हो सकता है आपकी वॉल रैप्चर कर जाए, एयर में बबल्स चले जाएं, उससे दिक्कत हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए जब स्कूबा डाइविंग करते हैं, जब नीचे जाते हैं, 1 मीटर तो बहुत कम बताया, और थोड़े से अगर चले जाओगे ना तो वो बोलता है जब ऊपर आना तो बबल छोड़ते हुए आना, बबल छोड़ते हुए आओगे तो क्या जाएगा, आप अपने प्रेशर को कंट्रोल करते हुए आओगे, और ऊपर ऊपर आते आते आपके लंग्स का प्रेशर और बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो बच जाओगे। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं, बहुत बार करते हैं, बहुत डीप तक जाते हैं, फिर आते हैं, ऊपर आते हैं, तो हमसे बोला क्या जाता है कि अब आप फ्लाइट मत लीजिएगा, दिक्कत हो सकती है, आपको पेन हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप बार बार स्कूबा डाइविंग करते रहते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। जब आप यहाँ अंदर पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है, फिर आप एकदम से आए उसके बाद ऊपर चले गए फ्लाइट में चले गए तो वहाँ लो प्रेशर रीजन रहता है, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता है, तो लो प्रेशर रीजन हो जाता है, तो आपकी बॉडी में अभी नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है, तो अंदर जब आप ऊपर जाओगे हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे जाओगे तो वो नाइट्रोजन बबल बना सकते हैं, तो उसके वजह से क्या जाएगा, आपकी बॉडी में जो उसमें जो फ्लो ब्लड का फ्लो चलेगा उसमें बबल बन के चला जाएगा, तो उसके वजह से क्या होता है, आपको पेन हो सकता है, हार्ट अटैक होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए जब स्कूबा डाइविंग करते हैं फिर उसके बाद ऊपर हम जाते हैं तो मना किया जाता है कि आप ना जाएं ऊपर अभी, तो ज़्यादा अच्छा है, लो प्रेशर रीजन में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी वजह से मना करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, जो मरियाना ट्रेंच में हम लोग, मतलब हम लोग क्या गए, मरियाना ट्रेंच में जो लोग गए, मरियाना ट्रेंच जानते 10 किलोमीटर गहराई पे है लगभग, तो मरियाना ट्रेंच में जब लोग गए तो ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं चले गए, एक स्पेशल टाइप के व्हीकल में गए, एक स्पेशल टाइप के व्हीकल में गए, ठीक है, तो जो उस व्हीकल में क्यों गए पता है, क्योंकि अगर हम इसी को 10 किलोमीटर बना दें, 10 किलोमीटर बना दें लगभग लगभग, तो इसको 10 किलोमीटर जैसे ही आप लिखोगे तो रो जी एच, 10 किलोमीटर का मतलब हो गया 10 × 10^3 इतना। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये 10^3 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 8 हो गया, तो 10^8 आ जाएगा, ठीक है, 3 × 4 × 5 × 3 8 10^8 हो जाएगा, ये कितना है 10^4 है भी, तो देखा जाए कि बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं हो गया 10^4, इसको लिखना अगर चाहो तो आप इसको बोल सकते हो कि ठीक है × 10^4, ठीक है इतना, मतलब 10,000 में 10 जोड़ दो, ऐ बेकार सी क्वांटिटी जोड़ रहे हो, ये तो इग्नोर करने लायक ही है मान लो, ठीक है, तो इतना प्रेशर होगा, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1000 times है लगभग लगभग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1000 times लगभग लगभग, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है वहां पर। मरियाना ट्रेंच में जब गए तो एक स्पेशल टाइप के व्हीकल में गए, उसको ट्रिस्टी, ठीक बोला गया, ट्रिस्टी नाम से एक जो व्हीकल बनाया गया उसमें गए, ठीक है, वो उतना ज़्यादा प्रेशर झेल सकता था, उस व्हीकल में गए, तो सबमरीन जो बनाई जाती है तो उसके अंदर इतना, उसकी जो वॉल्स रहती हैं वो इतना प्रेशर हैंडल करने के लिए बनाई जाती हैं, इतना स्ट्रांग मटेरियल की बनाई जाती हैं, नहीं पता चला ना, ऐसे हल्की फुल्की चादर बना ली, जैसे अपनी कार है ना, अगर अपनी कार हम यहाँ पर लेके चले जाए ना हम लोग, तो कार हम लोग की जैसे ना पेप्सी पीने के बाद, कैन पीने के बाद नहीं कुचल देते हो, ऐसे हाथ से मसल देते हो, वैसे ही प्रेशर में जाके मिसल जाएगी, बिल्कुल बेकार ही हो जाएगी, समझे, तो वहाँ पे जो आप बना, जो वहाँ के लिए जो व्हीकल बनता है, जो सबमरीन वगैरह जो बनती है उनकी शीट जो होती हैं वो अलग तरह के अलॉय मटेरियल की बनाई जाती हैं, ठीक है, कि इतना प्रेशर हैंडल कर सके, समझ रहे हो ना, इसीलिए यहाँ पे एक सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 hemisphere ले लो और यहाँ पे इसका बीच का रीजन वैक्यूम कर दो और इनको ऐसे लगा दो, जोड़ दो, और फिर बोला जाए इसको अब खींच के खोलो, जैसे बताया था आपको लोटा लेके जैसे पानी भर के बिल्कुल ऐसे पलट देते हैं, फिर उसके बाद उसको उठाते हैं तो ताकत लगानी पड़ती है ना, पुल करते हैं तो ताकत लगानी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन है। डेटा मैंने क्या दिया आपको, 30 centimeter का रेडियस है, अंदर प्रेशर जो है 0.1 atmospheric प्रेशर है और बाहर 1 atmospheric प्रेशर है, तो आपसे बोला गया बताओ कितना फोर्स लगा के इसको निकालना पड़ रहा होगा,
तो बोला इसको यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा के खोल रहे होंगे तो फोर्स लगाना ही क्यों पड़ रहा होगा, पहली बात तो ये है फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इसको ऐसे अलग कर लेते, ऐसे अलग कर लेते, ऐसे जोड़ा ही तो कोई फेविकोल से चिपकाया थोड़ी ना है, नहीं लगाना पड़ेगा फोर्स। ये बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जर्मन साइंटिस्ट ने, ग्वेरेक नाम है उनका, ठीक है हो सकता प्रोनंसिएशन मैंने गलत किया हो, उन्होंने बताया था प्रेशर कैसे फोर्स एग्जर्ट करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट किया था उन्होंने, इधर घोड़े लगाए थे, इधर घोड़े लगाए थे, फिर उन घोड़ों से खिंचवाया था, उनकी भी तेल निकल गई थी, ठीक है उनसे भी नहीं खुल रहा था ये, मतलब क्या है, मतलब इतना भयानक तरीके से ये बंद गया है। क्यों बंद गया है उसको आओ दिखाते हैं हम आपको। देखो क्या है, अंदर जो है 1 atmosphere प्रेशर लग रहा है, अंदर से जो है प्रेशर बहुत कमजोर कमजोर मिल रहा है इसको, ऐसे ऐसे इधर ऐसे चारों तरफ प्रेशर तो हमेशा दबाता है, तो रेडियली ऐसे प्रेशर मिल रहा है इसको ऐसे, लेकिन बाहर 1 atmosphere प्रेशर है, इससे बहुत भयानक प्रेशर है, ये बाहर से प्रेशर मिल रहा है, बहुत भयानक प्रेशर मिल रहा है ऐसे, ठीक है ये ऐसे अंदर की तरफ प्रेशर मिल रहा है। अब शायद आपको फील थोड़ा थोड़ा आ रहा हो कि बाहर से बहुत भयानक प्रेशर इसको मिल रहा है, ये एयर का प्रेशर, अंदर वैक्यूम है ऑलमोस्ट, ये बाहर का एयर का प्रेशर इसको ऐसे दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, ठीक है अंदर वाला प्रेशर कमजोर हो गया इस वजह से। तो देखा जाए तो नेट इफेक्टिव प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है कितना, 9.99 atmospheric प्रेशर लग रहा है, 0.9 atmospheric प्रेशर लग रहा है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेट इफेक्टिव प्रेशर लग रहा है। अब क्या है, अगर ध्यान से देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा ऐसे, तो इस पे प्रेशर ऐसे लग रहा है चारों तरफ ऐसे ऐसे, तो कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे इसका मतलब एरिया क्या 2πr² लिखेंगे क्या, नहीं 2πr² नहीं लिखेंगे। अगर हाँ आप एलिमेंट पे फोर्स देखो, इस एरिया एलिमेंट पे फोर्स देखो तो इधर आ रहा है, लेकिन इस फोर्स के दो पार्ट होंगे, इधर की तरफ एक इधर की तरफ, वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे, तो इसके दो पार्ट होंगे, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, ये वाले फोर्स के पार्ट कैंसिल हो जाएंगे इफेक्टिवली, मतलब इस तरफ फोर्स बचेगा, चाहे आप इसका भी करके देखो, ठीक है इसका भी करके देखो। तो कहना क्या चाहते हैं, मतलब मुझे इस कर्व एरिया से मतलब नहीं है, मुझे उस एरिया से, इस एरिया के उस पार्ट से मतलब है जो इस कंपोनेंट के फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मैं एरिया ये बोलूंगा, ये वाला एरिया बोलूंगा, तो इसके दो पार्ट होंगे, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं, ये एरिया बोल रहा हूं, तो इस एरिया के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, ठीक है। तो इस फोर्स के लिए मेरा ये वाला एरिया काम में आएगा, मतलब ओवरऑल मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब जो हमें फोर्स के लिए एरिया चाहिए वो ये कर्व एरिया ना चाहिए, ये प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए। मतलब जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज उसका देखो ग्रीन वाला कुबड़ा वाला सरफेस जो रहता है, ग्रीन वाला, उसको जब कट करो तो कुबड़ा वाला सरफेस ग्रीन बचता है, आगे सामने का रेड बनता है। तो आपको इस कर्व सरफेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया है, वो आपको वो रेड वाला एरिया नजर आएगा, ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, πr² हो जाएगी। तो जो आपको फोर्स मिलेगा वो फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगा, डेल्टा पी 0.9 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.01 × 10⁵ इंटू एरिया। एरिया क्या लिखा जाएगा, πr², आर स्क्वायर मतलब 0.3² इतना, ठीक है। तो इतना जो करोगे कैलकुलेट तो जो फोर्स आएगा ये ऑलमोस्ट जो आएगा 26, ठीक है, किलो न्यूटन का फोर्स आएगा, इतना फोर्स आएगा, 26 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतना भयानक फोर्स लगेगा, ये बहुत भयानक फोर्स है। इतना फोर्स तो आम आदमी के बस का नहीं है कि इसको देख खींच के खोल सके, ठीक है, इसके लिए घोड़े वोड़े लगाने पड़ेंगे आपको इधर से उधर से, तब जाके खुलेगा, या आजकल क्रेन से लगा के खींचो तब खींचेगा, आज से भी खींच नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है ये, समझ में आया। तो जो लोटा जब वो उसे बुड़बुक करके उठाते ना, तो उसमें फोर्स इसी वजह से लगता है, क्यों, जैसे आपने लोटे में पानी भरा, इसको पलट दिया, जब पलट दिया तो कुछ पानी बह गया, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ अंदर वैक्यूम है, तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट आप उसको खींचते, ठीक है, इसलिए उठाने में ताकत लगती है। क्लियर हुआ। आप यहाँ मान लो एक सबमरीन है,
ये समुद्र में चल रही है, जहाँ वाटर की डेंसिटी 1024 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और यहाँ पर ये 100 मीटर की डेप्थ है, सरफेस से 100 मीटर की डेप्थ पे ये सबमरीन चल रही है। अचानक से यहाँ पे किसी ने कुछ यहाँ पे मार वार दिया, ये डैमेज हो गई अपना, तो अब यहाँ से सब लोग निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, जितने भी क्रू के लोग हैं वो सब कह रहे हैं भागो यहाँ से निकलो। अब निकलेंगे तब जब ये विंडो खुलेगी, तब ये जो भी डोर होगा ये खुलेगा तब। अंदर अभी 1 एटमोस्फेरिक का प्रेशर मेंटेन किया गया हुआ था, क्योंकि अंदर तो आदमी नॉर्मल आदमी रहेगा ना, तो वहाँ पे 1 एटमोस्फेरिक का प्रेशर मेंटेन किया गया है। बोला गया है कि इस दरवाजे को खोलना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, ऐसा नहीं अपना दरवाजा खोले निकल लिए। क्यों? क्योंकि बाहर पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट खोल के जाना है आपको। तो तुमने अगर मूवी देखी हो, कई सारी मूवी बन चुकी हैं इन पे, ठीक है, अपने यहाँ भी लोकल बनी थी गाजियाटा, जैसे भी पहले बताया था आपको, ठीक है, उसमें भी अगर मान लो जैसे दरवाजा खोलना पड़ जाता, या आपने मान लो नेवल ज्वाइन कर रखा है वहाँ पे, इसको दरवाजा खोलना पड़ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? आओ दिखाते हैं आपको। मान लो ये डोर था, ये डोर है ऐसे, इसके इस साइड वाटर है, ये अंदर वाला साइड, इस साइड एयर है, यहां तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमने मेंटेन कर रखा है, लेकिन यहां पे जो प्रेशर होगा ना वो कितना होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो जी वाई के बराबर होगा, ये जो वाई है इतना, तो ये इधर प्रेशर लगाएगा, ये इधर प्रेशर लगाएगा, इन दोनों की वजह से जितना नेट फोर्स इस तरफ लगेगा उसके अगेंस्ट आपको फोर्स लगाना पड़ेगा खोलने के लिए, ठीक है। हमारे यहाँ क्या रहता है, जितना इधर हवा रहती है उतना इधर हवा रहती है, दरवाजा खोलो आराम से खुल जाता है। अगर मान लो कभी आपके कमरे में हाई प्रेशर बन गया और बाहर लो प्रेशर है, आप दरवाजा खोल नहीं सकते, आप दरवाजा खोल नहीं सकते, क्योंकि आपको उस प्रेशर के अगेंस्ट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, आप आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा पी नॉट प्लस रो जी वाई माइनस पहले एरिया माइनस पी नॉट इंटू एरिया, ये एरिया इसकी बात कर रहे हैं, ये एरिया ए मीटर स्क्वायर का था, ये लेंथ इंटू विड्थ। तो यहाँ जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा रो 1024 जी 9.8 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन 9.8 के हिसाब से, मतलब जो डेटा हिसाब से दिया गया है वो 9.8 के हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। वाई कितना है, 110 लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये इतना और एरिया 1.2 इंटू 0.6, ये एरिया, ये फोर्स की वैल्यू आएगी। फोर्स क्या आएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग लगभग 7.2 × 10⁵ न्यूटन इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत फोर्स है ये, 10⁵ न्यूटन, और 7 तो आगे है ही, तो इतना फोर्स आप लगाओगे तब जाके खुलेगा, नॉर्मली नहीं खुलता ये, इसके लिए इंतजाम होता है तब खुलता है, ठीक है। ऐसे नहीं तुम जाके दरवाजा खोले खुल गया, ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है, इतना फोर्स लगाओगे तब खुलेगा। तो अगर मान लो भगदड़ हो भी जाती सबमरीन में तो दरवाजा खोलना बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्योंकि इतना फोर्स आपको चाहिए होगा। यहाँ पे हमारे पास एक जिराफ है, देखो मैंने लिख रखा है जिराफ है, नहीं तुम कुछ और समझ लो, ठीक है ना। तो ये जिराफ है, और जिराफ का ब्लड डेंसिटी हमारा आपका जिराफ का एक ही जैसा ब्लड डेंसिटी है, लगभग लगभग 1.06 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जिराफ मतलब जहाँ पे इसका पैर है वहाँ से इसके दिल तक की दूरी, देखो घायल दिल है ना, इसका दिल तक की दूरी 2 मीटर है, और दिल से दिमाग 2 मीटर की दूरी, सब बराबर बराबर है, दिल दिमाग सब बराबर बराबर दूरी पे ले रखा है हमने। बोला है कि यहाँ पे दिल पे इसका जो गेज प्रेशर है 250 टॉर्सली है, ठीक है, 250 टॉर्सली बोलो या 250 mm ऑफ Hg बोलो, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर लेंगे, तुम जानते हो कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, अभी सिखा भी देंगे कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, या एटमॉस्फेरिक को कैसे टॉर्सली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये इतना है। अब इन्होंने पूछा है कितना गेज प्रेशर होगा यहाँ पर, यहाँ पर दिमाग में, तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर घटेगा, तो यहाँ पे अगर 250 गेज प्रेशर है, अगर मैं कुछ ऊपर चला जाऊंगा तो घट जाएगा और कुछ नीचे चला जाऊंगा तो बढ़ जाएगा। तो मैंने पूछा दिमाग में कितना गेज प्रेशर होगा और यहाँ इसके पैर के पास कितना गेज प्रेशर होगा, ठीक है। तो देखो दिमाग में अगर गेज प्रेशर निकालना है, माइंड के पास अगर आपको गेज प्रेशर चाहिए, दिमाग पे चाहिए गेज प्रेशर, तो जो अभी इसके पास दिल के पास जो गेज प्रेशर है ना,
जो यहाँ पे जो दिल के पास गेज प्रेशर है, दिल हिंदी में लिखो तो ज़्यादा फील आता है ना, दिल के पास जो गेज प्रेशर है उसमें से माइनस कर दो रो जी और ये वाली ऊंचाई वाई ऊंचाई माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अब आओ करते हैं। तो दिमाग के पास जो गेज प्रेशर होगा वो क्या आएगा, दिल के पास गेज प्रेशर कितना है 250 टॉर्सली है। ठीक है, तो रो लिखो, रो कितना दिया है यहाँ पे 1.06 10 टू पावर 3, जी 9.8 ले लेते हैं, वाई 2 ले लेते हैं, लेकिन ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें तो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से आता है ना। ठीक है, उस हिसाब से आएगा ये। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है गेज प्रेशर में तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.075 से, इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके ये टॉर्सली बनेगा। ठीक है, तो इस फैक्टर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्सली बन जाता है, तो ये 250 आएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन लगभग लगभग 156 के आसपास आता है, 155.8 टाइप का आता है कुछ। ठीक है, तो ये दिमाग के पास गेज प्रेशर आएगा, तो गेज प्रेशर वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 94 टॉर्सली के बराबर हो जाएगा गेज प्रेशर। ये दिमाग के पास गेज प्रेशर आएगा मतलब दिमाग के पास गेज प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, इस जगह पे क्लियर है। अब अगर मान लो ये अपनी मुंडी को ऐसे एकदम से नीचे ले आए, यहाँ पे एकदम से नीचे ले आए, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, कितना जाएगा जितना यहाँ पे इसके पास प्रेशर होता है यहाँ पर। तो अब जरा पैर के पास प्रेशर देखें, गेज प्रेशर अगर पैर के पास देखें कितना हो जाएगा, लेग्स के पास कितना हो जाएगा गेज प्रेशर, तो 250 ये दिल के पास वाला प्लस कर देना हो, जितना ऊपर उतना नीचे, तो प्लस कर देना होता है, ये सब चीज़ प्लस होती चली जाएगी, मतलब ये 156 हम यहाँ पे प्लस कर दें। ठीक है, जब 156 हम यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 एक 4, ये इतना आ जाएगा 406 टॉर्सली के आसपास ये प्रेशर हो जाएगा। मतलब एकदम से अगर ये सर यहाँ पे लो प्रेशर था, एकदम से सर एकदम से नीचे ले आएगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा, इसके मरने के लफड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या करता है ये, एकदम से सर नीचे नहीं लेके आता है, एकदम से नहीं झुका देता है, इतना झुकाता है कि थोड़ा थोड़ा मैनेज कर ले, तो इसलिए अपना टांग फैला लेता है, फिर ऐसे झुका के पीता है कि उतना ज़्यादा हाइट का डिफरेंस ना रहे। ठीक है, और वो सेफ रहे, नहीं तो एकदम से दिमाग में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन डिफर कर जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए क्या करता है टांग फैला के पीता है। स्वैग नहीं है इसका बेचारे का, मजबूरी है। ठीक है, ये इसलिए ऐसा रहता है।